हम इस वक्त संबलपुर के समलेश्वरी देवी मंदिर के बाहर मौजूद हैं। इस मंदिर में लोगों की बड़ी आस्था है, नेता हो या फिर आम जनता, हर कोई अपने काम की शुरुआत इस मंदिर में दर्शन के बाद ही करता है। और कहा जाता है कि संबलपुर का नाम इसी मंदिर के वजह से ही पड़ा है, समलेश्वरी देवी के नाम से ही संबलपुर नाम पड़ा है और इसके महत्व को समझते हैं। हमारे साथ हैं पंडित महेश साहू। पंडित जी, ये बताइए कि नाम संबलपुर का इस मंदिर के कारण पड़ा है? हाँ बिल्कुल, वो जो माता जी है जिस मंदिर के प्रांगण में हम खड़ा है, वो माता जी का नाम है समलेश्वरी। तंत्र शास्त्र की दृष्टि से उड़ीसा को उड्डयन पीठ बोलता है, तो उड्डयन पीठ की दृष्टि से हमारा उड़ीसा में जितने प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, पश्चिम उड़ीसा में एक बड़ा शक्तिपीठ के नाम से माँ समलेश्वरी का पीठ है। तो ये बताइए कि नेता हो या आम जनता, हर कोई अच्छे काम की शुरुआत माता के आशीर्वाद के बाद ही करता है? बिल्कुल है, क्योंकि वो बहुत सिद्ध पीठ है, तंत्र पीठ है, और माता जी का शरण में सब आएंगे, आम जनता भी आएंगे, नेता भी आएंगे, अभिनेता भी आएंगे, इसलिए माता जी का कृपा से ही सब काम प्रारंभ होगा, शुभ ही होगा, ऐसा ही मानना है सब। एक आखिरी सवाल, चुनावों के दौरान यहाँ पर नेताओं की भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है? बहुत बहुत, सभी दलों का जो प्रतिनिधि है, जो प्रत्याशी प्रार्थी है, सब आते हैं माता जी का कृपा लाभ करने के लिए, माता जी के शरण में सब आएंगे, सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो, ऐसा भावना में सब आते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो समलेश्वरी देवी मंदिर के नाम से ही संबलपुर का नाम पड़ा है और इस मंदिर की महत्व बहुत मानी जाती है, इसकी अहमियत बहुत है और आस्था भी यहाँ के स्थानीय लोगों की काफी है इस मंदिर में।